संजू मूवी में बहुत सारी ऐसे पहलू हैं जो दर्शकों को नहीं दिखाए गए हैं। संजय दत्त की लव स्टोरीज में एक ऐसी लव स्टोरी है जो फिल्म में नहीं दिखाई गई है। बॉलीवुड के खलनायक संजय बाबा यानी संजय दत्त और धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित की। एक समय था जब माधुरी और संजय दत्त एक दूसरे पर जान छिड़कते थे, लेकिन संजय दत्त की जिंदगी में एक ऐसा भूचाल आया जब माधुरी ने हमेशा के लिए उनसे रिश्ता तोड़ लिया। एक समय था जब संजय दत्त के साथ अफेयर को लेकर माधुरी दीक्षित काफी सुर्खियों में रही थी, लेकिन जब संजय दत्त टाटा के केस में जेल गए तो माधुरी दीक्षित ने उनसे हमेशा के लिए दूरियां बना ली। संजय दत्त और माधुरी की सदाबहार जोड़ी बॉक्स ऑफिस पर खूब धूम मचा रही थी और लोग इस जोड़ी को खूब देखना भी चाह रहे थे। पर्दे पर प्यार करते करते संजय और माधुरी को असल जिंदगी में भी एक दूसरे से प्यार हो गया था। उस समय माधुरी दीक्षित संजय दत्त को इतना चाहती थी कि अगर संजय दत्त को शूटिंग के लिए बाहर जाना होता था तो माधुरी उनसे फोन पर काफी देर तक बातें करती थी। बताया जाता है कि संजय दत्त और माधुरी दीक्षित शादी भी रचाने वाले थे, लेकिन संजय दत्त की पहले से ही शादी हो चुकी थी और उनकी एक बेटी भी थी। संजय दत्त और माधुरी दीक्षित का मोहब्बत का दौर चल ही रहा था। संजय दत्त को आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया। संजय दत्त एक दो नहीं बल्कि पूरे 16 महीने जेल में रहे। इस बीच उनकी खलनायक रिलीज हुई और बेहद हिट साबित हुई। संजय दत्त जब मुश्किल के दौर से गुजर रहे थे तब माधुरी ने उनका साथ छोड़ दिया। 16 महीने संजय जेल में रहे, लेकिन माधुरी संजय से एक बार भी मिलने नहीं आई और यही वजह इस रिश्ते की दरार बनी। परिवार के दबाव के चलते माधुरी को भी संजय से दूरियां बनाने में ही भलाई लगी और माधुरी ने संजय से मुंह मोड़ लिया।